आज की वीडियो में हम जानेंगे बुध प्रदोष व्रत की कथा, पूजा विधि, महत्व, नियम। तो आइए शुरू करते हैं। बुधवार को पड़ने वाली प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान भोलेनाथ की उपासना करने से भगवान शंकर की कृपा जल्दी ही प्राप्त होती है, जिससे हर तरह के सुख समृद्धि ऐश्वर्य मिलता है। वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती है और अच्छे वर प्राप्ति की कामना पूरी होती है। प्रदोष व्रत में भोलेनाथ प्रदोष काल यानी शाम के समय कैलाश पर प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति में लीन होते हैं। बुध प्रदोष व्रत पूजा विधि। बुध प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान कर साफ वस्त्र पहने और सबसे पहले व्रत का संकल्प ले। सुबह भोलेनाथ का अभिषेक करें और रोज की तरह सामान्य पूजा करें। प्रदोष व्रत में शाम के समय शिव पूजा उत्तम फलदायी होती है। संध्या काल में पुनः स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें। जहां पूजा करनी है वहां गाय के गोबर से लेपन करें, इससे वह स्थान पवित्र हो जाता है। सर्वप्रथम गौरी पुत्र गजानन की पूजा करें। अब महादेव का गाय के दूध, घी, गंगा जल, दही, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव शंभु को जनेऊ, भांग, धतूरा, भस्म, अक्षत अवीर, गुलाल, कलावा इत्र, बेलपत्र, स्वत चंदन, आंख के पुष्प, पान सुपारी, शिवा मुट्ठी आदि अर्पित करें। चौमुखी आटे का घी का दीपक लगाकर शिव चालीसा का पाठ करें और फिर आरती करें। पूजा पूरी होने पर जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान दे और फिर व्रत खोले। बुध प्रदोष व्रत नियम। भगवान भोलेनाथ की पूजा में हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कुमकुम, शंख वर्जित है। शंकर जी का अभिषेक उषा के आसन पर बैठकर ही करें। पूजा में काले वस्त्र ना पहने, यह नकारात्मकता का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत में शिवलिंग पर कभी खड़े होकर जल ना चढ़ाएं, बैठकर ही जल अर्पित करें। खड़े होकर जल अर्पित करने से पुण्य नहीं मिलता है। बुध प्रदोष व्रत का महत्व। इस दिन देवों के देव महादेव यानी कि भगवान शिव की पूजा की जाती है। माना जाता है कि प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति को संतान, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य के सभी पाप धूल जाते हैं और उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी कामनाएं कैलाश पति शंकर जी पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गौ दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करते हैं, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। आइए सुनते हैं कथा। सूत जी बोले, अब मैं आप लोगों को बुधवार त्रयोदशी व्रत की कथा तथा विधि सुनाता हूँ। इस व्रत के दिन केवल एक ही समय भोजन करें, हरे वस्त्र पहने और हरी वस्तुओं का सेवन करें। प्रातः काल उठकर नृत्य क्रम से निर्वित होकर शंकर जी का पूजन धूप दीप बेल पत्र से करें। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लेने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने साले सालियों ने उसको समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष नहीं माना। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर बातें कर रही है। वह पराया पुरुष बिल्कुल इसी पुरुष के शक्ल सुरत जैसा ही था। यह देखकर वह पुरुष दूसरे अन्य पुरुष से क्रोध में आग बबूला होकर लड़ाई करने लगा। धीरे धीरे काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में एक सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि सच सच बता, तेरा पति इन दोनों में से कौन है? लेकिन वह स्त्री चुप रही, क्योंकि दोनों पुरुष हम शक्ल के थे।
बीच राह में पत्नी को इस तरह लूटा देखकर वह पुरुष मणि मणिशंकर भगवान की प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझे और मेरी पत्नी को इस मुसीबत से बचा लो। मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करें। भविष्य में मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। श्री शंकर भगवान उस पुरुष की प्रार्थना से द्रवित हो गए और उसी क्षण वह अन्य पुरुष कहीं अंतर्ध्यान हो गया। वह पुरुष अपनी पत्नी के साथ सकुशल अपने नगर को पहुंच गया। इसके बाद से दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत करने लगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पर व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।